हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलोकेशन शेफर्ड वर्सेस तिबेतियन मैस्टिफ के बारे में। दोनों में से कौन सी एक डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगी और किस कंडीशन में रहेगी, इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को पता चल जाएगा। लॉयल्टी के बारे में, दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा लॉयल होती है फैमिली को लेकर। अगर इनकी फैमिली के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो दोनों ही डॉग ब्रीड इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड की तरह किसी के भी ऊपर अटैक कर सकती है। इसी के चलते इन्हें आपको अर्ली एज से ज़रूर सोशलाइज करना पड़ेगा। अगर आप अर्ली एज से सोशलाइज नहीं करते तो आपको इन फ्यूचर जब आपका डॉग एडल्ट होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उसके चलते आपको अर्ली से ज़रूर सोशलाइज़ करना पड़ेगा दूसरे पैट्स के साथ भी और साथ में बच्चों के साथ भी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके घर में कोई बच्चा आता है या फिर कोई पैट आता है तो आपका डॉग उनके ऊपर बेवजह अटैक ना करे। इंटेलिजेंस के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, लेकिन तिबेतियन मैस्टिफ के मुकाबले कोलोकेशन शेफर्ड हल्का सा ज़्यादा ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है, तो इसका भी फर्क पड़ जाता है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के हिसाब से दोनों ही डॉग ब्रीड सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी पालना चाहते हो तो अपने डॉग को प्रॉपर टाइम दें और साथ में अगर हो सके तो एक ट्रेनर को हायर कर ले जिसके चलते आपका डॉग प्रॉपर ट्रेंड हो और आपको प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉग जंक्शन आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लेके आया है पैराडाइज ऑफ पैट्स की, जिधर आप अपने पसंद के कोई भी पैट को सेल कर सकते हो, साथ में आप बाय भी कर सकते हो। उधर आपको डायरेक्ट सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जिधर से आप ज़्यादा जानकारी के लिए एक बाय वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लें। आगे बढ़ते हैं, अपार्टमेंट लिविंग के हिसाब से दोनों ही डॉग ब्रीड सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर आप रखना ही चाहते हो अपार्टमेंट में, अगर आपका 3 BHK का अपार्टमेंट है ठंडे इलाके में रहते हो और फिर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो तिबेतियन मैस्टिफ को एक बारी को, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज नीड कम मांगता है कोलोकेशन शेफर्ड के मुकाबले और वो थोड़ी लेजी टाइप की डॉग ब्रीड है। लेकिन अगर आप कोलोकेशन शेफर्ड को रखना चाहते हो अपार्टमेंट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोलोकेशन शेफर्ड को एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होता है। अगर आपके घर में बैकयार्ड है या फिर आपका एक प्रॉपर फार्म हाउस है तो आप उसकी गार्डिंग के लिए देख रहे थे तो कोलोकेशन शेफर्ड आप ले सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं आगे इनकी हेल्थ इशू के मामले में। हेल्थ इशू के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड जायंट साइज से बिलोंग करती है, तो दोनों ही डॉग ब्रीड में आपको हेल्थ इशू जो कॉमन है वो है हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया, थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में इनमें ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जो कोलोकेशन शेफर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, खाली तिबेतियन मैस्टिफ में देखने को मिलती है कुछ केसेस में, वो है इनकी आइज रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी जो फेस की स्किन है वो लटकी हुई होती है, मैस्टिफ टाइप से बिलोंग करते हैं तो इनमें आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं है 100 में से 100 पपी को होती है, 100 में से 30-40 को तो हो ही जाती है, वो चीज़ है। बात करते हैं इनकी वॉच डॉग या गार्ड डॉग एबिलिटी के मामले में, तो वॉच डॉग गार्ड डॉग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ तो अगर आप लायन ब्लड की बात करते हो तिबेतियन मैस्टिफ में, तो लायन ब्लड दोनों ही टाइप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी गार्डिंग करता है और वॉच डॉग के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लायन ब्लड पाल सकते हो तो लायन ब्लड की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों नॉर्मल टाइप में देख रहे हो तो दोनों ही डॉग ब्रीड इक्वली गार्डिंग करती है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि गार्डिंग में आपको ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दोनों ही डॉग ब्रीड अच्छे गार्ड डॉग हैं। एक्सरसाइज नीड के मामले में तिबेतियन मैस्टिफ थोड़ा सा लेजी है, लेकिन आपका कोलोकेशन शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज मांगता है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपको रनिंग जॉगिंग पसंद है और आप माउंटेन क्लाइंबिंग भी या हाइकिंग पे जाते हो तो आपके लिए कोलोकेशन शेफर्ड एक अच्छी चॉइस साबित हो सकता है। प्राइस की बात करते हैं तो दोनों ही डॉग ब्रीड आपके 50,000 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनकी क्वालिटी पर डिपेंड कर जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पपी ले रहे हो प्रॉपर मदर फादर देख के और अच्छी क्वालिटी का, तो उनका प्राइस डिपेंड कर जाता है उनकी ही क्वालिटी पे, मदर फादर पे, तो वो लैक्स में भी जा सकता है इजीली। और जो आपका लैंड ब्लड का तिबेतियन मैस्टिफ पड़ता है वो स्टार्टिंग ही लैक्स में होता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में बताना कि आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड दोनों में से कौन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, सेम जगह सेम टाइम। जय हिंद दोस्तों।